पिछले कई महीनों से पूरा मिडिल ईस्ट संघर्ष और तनाव के माहौल से जूझ रहा है। जहां एक ओर इसराइल और हमास में तीखी जंग जारी है, तो वहीं ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुट इसराइल पर हमलावर हैं। इन सब के बीच खबर है कि कैस्पियन सी में ईरान और रूस साथ साथ आए हैं। इससे मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं इसराइल और अमेरिका ने भी अपनी भौहें टेढ़ी कर ली है। दरअसल ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के नक्शे कदम पर चलते हुए नए राष्ट्रपति ने ईरान के रणनीतिक गठबंधन को मजबूत करने में लगे हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति ने अपनी विदेश नीति में स्पष्ट संदेश दिया है कि वो पुराने सहयोगियों रूस और चीन के साथ मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे। ईरान के मुश्किल दौर में रूस और ईरान ही उसके मददगार रहे हैं। न्यूज एजेंसी टास की माने तो ईरान और रूस की नौसेना ने 22 जुलाई 2024 को कैस्पियन सी में जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज शुरू की है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि युद्ध अभ्यास में नौसैनिक जहाज और नौसैनिक विमान दोनों शामिल होंगे। इसके अलावा गाइडेड मिसाइल विध्वंसक दाराफश, सेफर और पाइकन, 2AB-212 हेलीकॉप्टर और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स की नौसेना से जहाज शाहिद बसीर भी इसका हिस्सा होंगे। रूसी जहाज SB-45 ने युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए ईरान के सी एरिया में एंट्री की है। अभ्यास का पहला चरण 22 जुलाई को हुआ, जब ईरान और रूस की नौसेनाओं ने एक कमर्शियल जहाज में लगी आग को बुझाया, चालक दल को बचाने का अभ्यास किया। बताया गया कि कैस्पियन सी बॉर्डर से लगे राज्यों की नौसेनाओं के प्रतिनिधि इस अभ्यास में पर्यवेक्षक की भूमिका में रहे। बीते मई महीने में ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ने मॉस्को और बीजिंग के साथ सैन्य और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की थी। बताया जाता है कि रूस के तत्कालीन रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने ईरान के साथ सैन्य और रक्षा बातचीत का विस्तार करने की बात दोहराई है। आपको बता दें कि ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों के साथ अपना समुद्री सहयोग भी जारी रखा है, जो लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेनाओं के साथ लड़ाई में लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि नौसेना युद्ध अभ्यास के जरिए ईरान और रूस अपनी नौसेना ताकत को और धार देने की कवायद में जुट गए हैं, जिसका इस्तेमाल ईरान यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कर सकता है। रूस और ईरान के इस जॉइंट ऑपरेशन से इसराइल और अमेरिका की चिंता भी बढ़ गई है। लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से भूमध्य सागर तक जिस तरह हूती विद्रोहियों ने अपना खौफ बरपाया हुआ है, उससे इंटरनेशनल शिपिंग बिजनेस खासा प्रभावित हुआ है। इस बीच रूसी विदेश मंत्रालय के हवाले से न्यूज एजेंसी टास ने बताया कि रूस और ईरान ने एक व्यापक सहयोग समझौते की तैयारी भी पूरी कर ली है।